पंजाब से एक बड़ी खबर है। जी कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू इस बार आईपीएल की कमेंट्री करेंगे, वो कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आएंगे। अब इसे गुड ओमन कहा जाए या बैड ओमन कहा जाए, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सारे तट देख लिए, गंगा का तट भी देख लिया, जमुना का तट भी देख लिया, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, और आप वाले तरफ पे रह गए, शायद सरस्वती रह गई बीच में। तब उन्होंने कहा कि नहीं है, मेरी तो कोर कॉम्पिटेंस वहां की है, जाता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे मिल जाएंगे, पैसे की कमी हो रही है, आईपीएल में जाके एज ए कमेंटेटर दो पैसे तो मिल जाएंगे मेरे को, यहाँ बैठ के तो पैसे और चले जाएंगे, इतना इतना है नहीं। और कांग्रेस उनको पूछती नहीं, पहले बीजेपी नहीं पूछती थी, अब कांग्रेस उनको नहीं पूछती, तो लगता है उनका मोह भंग हो गया। एक छोटी टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए सर, जहां तक पंजाब का मसला है, पंजाब को खोने का गुनाह कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस पार्टी ने खुद किया है। 5 साल आपकी सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, नवजोत सिंह सिद्धू पूरे 5 साल अपने ही मुख्यमंत्री, अपनी ही सरकार के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े रहे। मैंने सड़कों पर आंदोलन से लेकर सदन तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी सरकार को बदनाम करने, अपनी पार्टी की सरकार को बदनाम करने में। और उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा कोई भ्रम था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ जाएगी। लेकिन अंत में यह हुआ कि खुद सिद्धू चुनाव हारे, जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को वो चुनाव हारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हारे। इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों की तो है ही, कांग्रेस आला कमान की है, कांग्रेस के संगठन की भी है। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो समय पर अंकुश नहीं लगाता, समय पर अनुशासन का चाबुक नहीं चलाता। इसका खामियाजा पंजाब ही नहीं, राजस्थान में भी भुगता है सर पार्टी ने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट पूरे 5 साल लड़ते रहे, रस्साकसी चलती रही पहलवानों जैसी। जनता ने कहा आप दोनों लड़ लो, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली अपना उठा के ले गई रोटी सत्ता की। जी पंजाब में आगे भी यही होगा, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कमेंट्री करना दिखाई दे रही है तो उनको जाने देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ये कहे कि भाई आप राजनीति में भी मत रहिए, बहुत कृपा की आप अभी तक पार्टी में थे, अब आप जीवन अपना पूरा क्रिकेट और कमेंट्री के लिए समर्पित कर दीजिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी इस तरह का अनुशासन नहीं लाएगी, अनुशासन का डंडा नहीं चलाएगी, पार्टी की यही गति होती रहेगी। आखिर के दो सवाल, कल मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, खासतौर से विपक्ष के लोगों से, अच्छे खासे रैंक पे हैं, नाम तो नहीं बोल सकता, तो छूटते वही ये नहीं है हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। मैंने कहा हुजूर एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही बोला तो क्या। मैंने कहा 1962 की जब चीन के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो हमारी सेना ने यह नहीं कहा था कि हमारे पास क्या है, जो था उसी के साथ लड़े, और आखिर में कुछ नहीं बचा तो खुकरी के साथ लड़े। और गलवान में उनके पास तार वाले डंडे थे, ये निहत्थे थे हिंदुस्तानी सैनिक, 20 शहीद हो गए, लेकिन निहत्थे होके भी उनको 40 को मारा, जो बाद में खबर आई थी चीन वालों को। मैंने कहा वो टाइम खत्म हो गया जब आप इस बात का रोना रोएंगे कि आपके पास संसाधन नहीं है। अब आप युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, अब आपके पास बहाना नहीं है, गो एंड फाइट विद वॉट एवर यू हैव नाउ। और मैंने ये एग्जाम्पल भी दे दिया, चीन वाला भी और गलवान वाला भी, अगर आप जैसे कि वो बॉर्डर फिल्म में 120 आदमी लड़े ना सर, आपका जज्बा होना चाहिए और आपका लीडर कमजोर नहीं होना चाहिए, वहां पर आपका लीडर ऐसा जिगर वाला होना चाहिए कि उसने कहा जैसे बॉर्डर में, अगर कोई मैदान छोड़कर भागा तो मैं गोली मार दूंगा पीछे से, और अगर मैं भाग गया तो मुझे गोली मारने में बिल्कुल भी रुकना मत। राहुल गांधी क्या कहते हैं सर, सभा में क्या कहते हैं बंबई में और बाकी जगह, कमजोरी से स्टार्ट करते हैं, मैं भारत को नहीं जानता था। भाई साहब आप कहने की जरूरत क्या, आप कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि मैं कमजोर था, मुझे नहीं पता था। ए लीडर इज नॉट सपोज टू टेल हिज वीकनेसेस, ए लीडर टू शो हिज स्ट्रेंथ देयर इन द बैटलफील्ड। ये कुरुक्षेत्र है, अब जो है लड़ो, अब बहानेबाजी मत करो, इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए। देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी जिस तरह की
आदर्श राजनीति की कल्पना करते हैं, राजनीति वैसी आदर्श होती नहीं है। वे बड़ी सहजता से सारी बातें कह देते हैं, मुझे ये नहीं पता था, मैं भारत को नहीं जानता था। अब तो आप दो दो यात्राएं कर चुके, क्यों नहीं जानते थे भाई? जानना चाहिए आपको, 20-25 साल से राजनीति में है, कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं अभी आप राजनीति में आ गए। सर आप तो भारत की यात्रा नहीं की, पर आप तो भारत को जानते हैं ना। हम मैं कह रहा हूँ चलिए हम उतना नहीं भी जानते, पर हम राजनीति में नहीं है। मैं जो चुनाव थोड़ी लड़ना है, अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं अपनी संसदीय सीट के लिए थोड़ी कहता कि मुझे, मैं शहर को ग्वालियर को नहीं जानता हूं। अगर कोई पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए तो मैं मंच से ये भाषण नहीं दूंगा। निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा ये देश, ये शहर, ये सीट, मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। आप सब मेरे अपने हैं, मैं हर गली मोहल्ले में जीता मरता हूँ और इसके हर शख्स के लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, राहुल गांधी राजनीति को आदर्श स्वरूप में ले जाना चाहते हैं, ये उनका सपना है, ये एक तरह का यूटोपिया है। आप उस सपने में जिए, लेकिन राजनीति की कड़वी हकीकतों से भी दो चार होना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चुनाव शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है, दुंदुभी बज चुकी है, आप मैदान में है, सामने पहला नॉमिनेशन है और सामने अक्षोहिणी सेना है सर, अक्षोहिणी सेना। महाभारत में जिसके लिए कहा गया कौरवों के पास अक्षोहिणी सेना थी, अक्षोहिणी कोई गिनती नहीं होती सर, 1,00,000,00,00,000, 10 करोड़, 10 अरब, 10 अरब, नील 10 नील, पता नहीं अक्षोहिणी का अर्थ क्या होता है, वो पदम 10 पदम से भी आगे की कोई संख्या है। वही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। लेकिन आपके पास सत्य और शील अगर है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, आप सामने देख रहे हैं कि सामने वाला रथ पर बैठा है, सचमुच में आपके पास संसाधन नहीं है, बिल्कुल ठीक है मान लिया। सैन्य विज्ञान का कोटेशन है, सेना पेट के बल चलती है, पेट के बल चलने से आशय लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, संसाधन, इन सब चीजों से होता है। युद्ध का मैदान है, आपके पास संसाधन नहीं, आपके खाते तक सीज कर रखे हैं सरकार ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं हम कैसे चुनाव लड़ें। लेकिन ऐसे अवसर पर चुनाव जनता के भरोसे लड़ना चाहिए, जनता से कहना चाहिए कि अब आप हमारा चुनाव लड़िए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, अब जनता चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सामने माइटी हिमालयन मैन, कोई विशाल का है, अक्षोहिणी सेना है, उसका जो लीडर है उसकी डिजिटल इमेज बनी हुई है, पूरा तंत्र उसके साथ लगा हुआ है, पूरा मीडिया उसके साथ है, सारा सोशल मीडिया उसके पास है। आपके पास क्या है? कोई दीवार फिल्म की तरह, मेरे पास माँ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं कहना चाहिए मेरे पास जनता रूपी माँ है, जनता हमारी माँ है, उससे हम चुनाव लड़ेंगे। ये जब तक नहीं करेंगे ये मुकाबला बहुत टेढ़ा होने जा रहा है। यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना आसान इसको मानकर चल रही है, उसकी बेचैनी, उसकी बौखलाहट पिछले दिनों की ये बता रही है कि उसको ये समझ में आ रहा है कि वो कोई मुद्दा बांध नहीं पा रही है। कितनी भी वो कोशिश करती है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक, सिर्फ 2 महीने के मुद्दों पर आप दिनेश सर नजर डाल लीजिए, बीजेपी के मुद्दे चल नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने शक्ति शब्द की व्याख्या कर दी, अपनी मनगढ़ंत व्याख्या कर दी, मनोशक्ति का अर्थ सिर्फ स्त्री ही होता है, नारी ही होता है। अब पूरा सोशल मीडिया और उस तरह के लोग जो स्वतंत्र चेता लोग हैं वो बता रहे हैं शक्ति का अर्थ तो पावर है, सत्ता, ताकत है, सत्ता है, हॉर्स पावर शब्द, हॉर्स पावर शब्द। अरे उन्हें हिंदू टर्फ पे जाने की जरूरत क्या है सर? आपके पास महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य मुद्दे, आप उनकी टर्फ पे जाके कबड्डी क्यों खेलना चाहते हैं सर? नहीं मैं लेकिन सर इसमें थोड़ा सा मेरा विचार अलग है, ये उनके टर्फ पर नहीं खेल रहे, अब स्थिति उल्टी हो गई है सर, अब बीजेपी बार बार कांग्रेस के टर्फ पर आ रही है। आप इसी शब्द शक्ति शब्द की ही व्याख्या पर ले लीजिए, कांग्रेस ने तो उनके टर्फ पर जाने की कोशिश नहीं की, मोदी जी आए ना उस शब्द की व्याख्या करने, बीजेपी आई। अगर बीजेपी इस तरह से लगातार विपक्ष के जाल में, विपक्ष के नैरेटिव में फंसी, उनके टर्फ पर, उनके उनकी पिच पर, उनके मैदान में, उनके अखाड़े में आने की कोशिश की, तो उसको इसी तरह मात मिलेगी जैसे अब तक मिल रही है पिछले 2 महीने से, या 1 साल से। अगर मैं कहूं राहुल गांधी की पहली यात्रा के बाद से लगातार बीजेपी और उसका पूरा अमला, उसकी पूरी सेना कांग्रेस के बनाए हुए नैरेटिव में फंस रही है, इसका उलट होता रहा है पिछले 9 साल। बीजेपी कोई दांव फेंकती थी, कांग्रेस जाकर उनके दलदल में जाके फंस जाती थी। अब इस बार सिर्फ इसी शक्ति सबको देख लीजिए ना, बीजेपी फंसी है आकर, और 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के सामने आ गया कि राहुल गांधी ने वो शब्द स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, दैवी शक्तियों के लिए नहीं कहा था, और शक्तियां तो आसुरी भी होती हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने लिखा,
दिनकर जी ने अपनी रचना में लिखा है शक्ति की क्या व्याख्या की है वो देख लीजिए, रामायण सीरियल में देख लीजिए जो लक्ष्मण को शक्ति लगी है वो क्या है, आसुरी शक्ति है, मूर्छित होते हैं जब। तो राहुल गांधी का जो आशय था वो अब देश के सामने स्पष्ट है और बीजेपी फंस गई है उसमें, वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, एजेंडा सेट कर नहीं पा रही है वो, यही उसकी बौखलाहट का कारण है। जी दिनेश जी, आखिरी 30 सेकंड क्या होने जा रहे हैं? ये तो भविष्य ये सब ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बताएंगे। इतना जरूर कह सकते हैं बिल्कुल वैसा होने नहीं जा रहा है जैसा भोंपू मीडिया और इस वक्त सत्ता में जो लोग बैठे हैं वे दावा कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा होने नहीं जा रहा। हो सकता है 2004 दोहरा दे ये देश, इंडिया शाइनिंग फील गुड, उन सब चमकते धमकते नारों के बीच सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक बहुत छोटी सी कमजोर ताकत अटल आडवाणी जैसी उस वक्त की सबसे लोकप्रिय जोड़ी को सत्ता से बाहर कर देती है। कुछ भी हो सकता है सर जी। हमेशा की तरह जो मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूं कि विपक्ष अब कोई बहाने ना बनाए, जाओ फाइट करो, व्हाट एवर यू हैव गॉट प्लीज गो एंड फाइट विद इट, और पूरे जिगर से फाइट करो, जीत होगी। दर्शक मित्रों, आपके लिए भी एक मेरा सजेशन है, घर से जरूर बाहर निकलिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा किसको वोट करना है, वो मेरी नैतिकता मुझे अलाउ नहीं करती है। बदलाव चाहिए तो घर से बाहर निकलिए, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने मित्रों के साथ प्रोत्साहित कीजिए, घर से बाहर निकले, मतदान करके आए। अब वो घड़ी आ गई है, आप बाहर निकलिएगा, व्हाट्सएप पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के बदलाव नहीं होगा, मतदान केंद्र में जाकर बदलाव होगा। बदलाव चाहते हैं तो जाइए, बटन दबाइए, तभी कुछ होगा। बस यही सजेशन है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।